दुनिया के देशों में एक एक देश में जो ताकत है वो भारत के एक राज्य का बराबरी नहीं कर सकते ये है भारत कौन से प्रदेश को आप लेना चाहेंगे उड़ीसा को लेना चाहेंगे उड़ीसा को तो छोड़ दीजिए ये तो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर कहता है दिस लैंड हैज द कैपेसिटी टू प्रग्जानेट यू to deliver you, to protect you, to save you, यू all ऑल sinful reactions, उड़ीसा की तो बात ही कुछ अलग है ये तो स्टेट थोड़ा ये तो ब्रह्मांड है प्रभु जगन्नाथ का वैकुंठ निवास है उड़ीसा का कहने का तो कोई विषय नहीं है इसलिए आप बाकी भी किसी भी स्टेट को लेंगे हिमाचल प्रदेश लीजिए उत्तरांचल लीजिए यूपी लीजिए किसी भी प्रदेश को कर्नाटक को ले लीजिए केरल को ले लीजिए शबरीमाला को ले लीजिए हर प्रदेश का अपना एक विशिष्ट सौंदर्य है केवल थोड़ा सा आवश्यकता है तो यह है कि क्लीनलीनेस कन्वीनियंस टाइम एंड थिंकिंग मॉडर्न एंड इनोवेटिव जो आएगा उसको थोड़ा आजकल ठीक से उसको प्रबंध खाने पीने का ठहरने का होना चाहिए स्वच्छता होना चाहिए सुविधा होना चाहिए मेडिकल की वहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस सर्कल को ऐसे आप डेवलप करें तो अच्छा लगेगा लेकिन हम टूरिज्म को जब हम बोलते हैं तो हमको टीचर पढ़ाते थे कहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में तीन सिलेबल से बड़ा कोई शब्द नहीं होता है बाकी प्रीफिक्स है सफिक्स है इसे कर के बनाते हैं या लैटिन से ले लेते हैं संस्कृत से भी तेरह हजार शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में हैं है ऐसा बनाते हम टूअर को यू आर को तो यूअर हो गया और टी से ट्रांसेडेंस हो गया सो so, टूअर मीन्स अ यूअर ट्रांसेडेंस दैट इज कालातीत शब्दातीत गुणातीत वासुदेवा स्टेट सीधा सीधा उड़ीसा टुअर मीन्स अ ट्रांसेंडेंटल एंग्जाइटी द स्पार्कल इन दी चाइल्ड आई डज नॉट डाई शुड नॉट डाई शुड नॉट वैनिशा